तनों को दबाने से, काटने से, छेड़ने से, संबंध बनाने से, क्या स्तनों का जो साइज़ होता है, क्या उनकी जो शेप होती है वो बढ़ जाती है, क्या वो एकदम से बहुत बड़े हो जाते हैं, या फिर आपने ये बहुत जगह कहते हुए सुना होगा कि जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं या लड़के होते हैं, मतलब उनके बीच में जो बातें चलती है उससे, कि अगर एक लड़की है उसका अगर जो स्तन है वो बहुत बड़े हैं तो उससे वो क्या सोच लेते हैं कि ये लड़की ने तो संबंध बनाए हैं, ऐसी थिंकिंग है लोगों की। तो किस हद तक ये चीज़ें सही है, या क्या कोई ऐसी टेक्निक है हमारे पास जिससे जो स्तनों का जो साइज है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है या एकदम से बहुत ज्यादा घट सकता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। तो सबसे पहली बात है कि जो स्तन होते हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, मसल है, ठीक है, और उनके अंदर चीजें होती हैं। जैसे कि जब एक जो महिला होती है उसकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद क्या समय आता है, ब्रेस्ट फीडिंग का समय आता है, जब उसको बच्चे को स्तनपान करवाना होता है, उस समय पे क्या होता है, उसके अंदर दूध बन जाता है हमारे स्तनों के अंदर, ओके, उस समय पे क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक जो महिला है उसकी जो बॉडी है उसके लिए भी है, मतलब कि अगर स्तन जो है उनका साइज अच्छा नहीं दिखता है तो वो पर्सनैलिटी वाली बात नहीं होती। तो हर एक लेडी को, हर एक महिला को क्या चाहिए, परफेक्ट साइज चाहिए, और सब अपने जो स्तन है उनके साइज को परफेक्ट चाहते हैं। उसके बाद उसकी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए वो हैं, वो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जो बच्चे के स्तनपान के लिए है, जब डिलीवरी हो जाती है बेबी की उसके बाद, राइट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है इसकी। अब इसका साइज क्या दबाने से, क्या काटने से, छेड़ने से या संबंध बनाने से बढ़ जाता है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता उससे कि एकदम से साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर अगर किसी ने संबंध बनाया तो आप ये देख के पता लगा सके कि उसके स्तनों का जो आकार है, जो साइज है वो बड़ा है, तो जी हाँ इस लड़की ने या इस महिला ने संबंध बनाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो स्तनों का साइज होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज जेनेटिक, मतलब कि अगर माँ नानी इन लोगों का पहले से स्तनों का साइज ज्यादा है, बॉडी का वेट ज्यादा है, तो वैसा ही बच्चों को जाता है आगे, तो उसका एक रिफ्लेक्शन पड़ता है बच्चों पे जेनेटिक की वजह से, ठीक है, हेरिडिटी की वजह से, तो उन महिलाओं का जो फैमिली में चल रहा होता है उसके हिसाब से होता है। जब हम एकदम से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, मतलब कि पहले बहुत दुबले पतले थे, एकदम से मोटे हो गए, अब मोटे होएंगे तो हर चीज़ मोटी होएगी, तो उस हिसाब से क्या होता है, स्तनों का आकार भी बढ़ जाता है। अब कोई एक जो इंसान था वो बहुत मोटा था, अब वो बहुत ज़्यादा स्लिम हो रहा है, तो क्या होता है कि स्तनों का साइज भी पूरी बॉडी के साथ में कम हो जाता है, क्योंकि स्तन जो है उनका सिर्फ आकार, हम उस राउंड शेप को नहीं बोल सकते, पीछे बैक का जो फैट होता है, साइड्स का जो फैट होता है, वो कटने की वजह से भी स्तनों का आकार छोटा दिखाई देता है, और जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारे पूरी कंप्लीट बॉडी में से वेट लॉस होता है। अब एक कोई ऐसी टेक्निक जिससे एकदम से वेट जो आकार है, साइज है जो स्तनों का वो बढ़ जाए, वो क्या है, वो है सिर्फ सर्जरी, जो आप देखते हैं, जैसे कि आपने मॉडल्स देखी या फिर आजकल हम जो भी देखते हैं टीवी पे, मूवीज़ में, ठीक है, उनका इक्वल शेप साइज होती है और मतलब प्रॉपर आकार होता है, हमारा कम है हम चाहते हैं एकदम से बढ़ जाए, तो वो सिर्फ सर्जरी से ही होता है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, स्तनपान के बाद बिल्कुल साइज इंक्रीज होता है। जब एक सबसे ज़्यादा साइज इंक्रीज कब होता है, जब क्या होता है कि बहुत टाइम से दूध नहीं पिला पा रहे या फिर इकट्ठा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट इंगोजमेंट, उसकी वजह से दर्द भी होता है स्तनों में और साइज भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक बहुत बड़ा मिथ है ये कि दबाने से, काटने से, संबंध बनाने से जो महिला है उसके स्तनों का साइज, आकार, शेप बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो अगर आप भी इस भ्रम में जी रहे थे तो ये वीडियो थी आपके इस भ्रम को निकालने के लिए। वीडियो से कुछ भी जाना, कुछ भी सीखा, तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों के मन में ये भ्रांति भरी हुई है भाई, तो मैं चाहती हूँ कि ये भ्रम भी निकल जाए, राइट। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो कमेंट सेक्शन में आपको एक हार्ट, ठीक है, कमेंट करना है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।